हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं वेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि MPTET के रिजल्ट आ गया है, जल्दी ही उसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आ जाएगा, एंड वर्ग 2 एंड वर्ग 3 का जल्द ही एग्जाम होगा, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसका भी एग्जाम होगा, एंड UPTGT का भी एग्जाम होगा ही बहुत जल्द ही, क्योंकि इतना समय फॉर्म अप्लाई किए हो गया। तो सभी चीज़ों को आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे चैनल में बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराती हूँ। आप इसका डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए और डाउट को क्लियर कीजिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, हमारा चैनल फ्री में आपको सब कुछ दिया जाता है, फ्री में इतनी चीजें डेली बेसिस पे कोई नहीं देता। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, विंड गेज का प्रयोग ट्रैक एंड फील्ड की किन स्पर्धाओं में किया जाता है? तो दोस्तों, तो जो विंड गेज होता है वो हवा की वेग को मापता है, एंड विंड वर्न गेज होता है जो हवा की दिशा को मापता है। तो जो विंड गेज होता है, हवा का वेग जो है 100-200 मीटर दौड़, एंड लंबी कूद, त्रिकूद, एंड 100-110 मीटर बाधा दौड़ में विंड गेज यानी कि हवा का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, क एंड ख दोनों। जैसा कि दोस्तों, 100-200 मीटर दौड़ में 10 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है, याद रखिएगा, एंड 100-110 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है, एंड लंबी कूद एंड ट्रिपल जंप में यानी लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में 5 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है, एंकर रनर का संबंध किस खेल तथा स्पर्धा से है? तो दोस्तों, एंकर रनर का संबंध रिले रेस से है और रिले रेस के चौथे खिलाड़ी से है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोलो खेल किस फेडरेशन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, वाटर पोलो खेल जो है वो फीना के अंतर्गत आता है, फीना FINA यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन। इसकी स्थापना 19 जुलाई में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसके अंतर्गत स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज स्विमिंग एंड ओपन वाटर स्विमिंग आते हैं। तो वाटर पोलो का संबंध किस फेडरेशन से है, किसके अंतर्गत आता है? फीना के अंतर्गत, यह तैराकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मेडिसिन बॉल थ्रो से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों, मेडिसिन बॉल थ्रो से हम किसे थ्रो करते हैं, अपने शोल्डर, इसके थ्रो करने में किसका फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो हमारे आर्म एंड शोल्डर में, ठीक है, तो थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ आर्म एंड मैक्सिमम नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ आर्म एंड शोल्डर, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ आर्म एंड शोल्डर को मापा जा रहा है मेडिसिन बॉल थ्रो से। नेक्स्ट है दोस्तों कि O2 तथा CO2 का आदान प्रदान हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 CO2 का आदान प्रदान हमारे शरीर में फेफड़ों के अंतिम भाग जो गुच्छा होता है एल्वोलाइज, जहाँ पे पल्मोनरी धमनी से अशुद्ध रक्त आया हुआ फेफड़ों में आता है शुद्ध होने के लिए, तो अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आ जाता है, और एल्वोलाई से शुद्ध रक्त RBC का हीमोग्लोबिन ले लेता है। एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन होता है RBC का हीमोग्लोबिन ले लेता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। उसके बाद पल्मोनरी सीरा के द्वारा हृदय के बाएं भाग यानी कि बाएं अलिंद में जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है कोशिकाओं तक। तो कोशिकाओं से कोशिकाओं में जाता है, उसके बाद वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को दे देता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जा करके जो ग्लूकोज होता है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है,
एंड वहाँ से जो भी कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ले लेता है रक्त, उसके बाद फिर आकर के सिराओं के द्वारा हृदय में आता है, हृदय के दाएं अलिंद में, उसके बाद फिर वही चीज़ होता है शुद्धिकरण। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एल्वोलाइज एंड स्टेल आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है तथा कहाँ है, तो यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है दोस्तों, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका गठन 1927 में सर दुराबजी टाटा के प्रयास से हुआ। और IOA भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं IOA की, इसके पहले नरेंद्र धुबत्ता थे। नेक्स्ट है FIG किस खेल की फेडरेशन है, तो FIG जो है वह किसकी फेडरेशन है, तो FIG आपका इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, यह जिम्नास्टिक का फेडरेशन है। FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का स्थापना 23 जुलाई 1881 लुसानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। FIG यानी कि इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यानी कलात्मक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक आता है। बट ओलंपिक में बात करें तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक की केवल 4 स्पर्धाएं होती हैं। तो ओलंपिक में कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं दोस्तों, जैसे कि ओलंपिक में शामिल है 1896 में एथेंस ग्रीस में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक 1984 लॉस एंजल्स में एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक 2000 सिडनी ओलंपिक में। तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती हैं, आर्टिस्टिक, रिदमिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक। नेक्स्ट है SAI SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुआ था। यह भारत सरकार के युवा एंड खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, युवा एम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो दोस्तों सबसे पहले पोषक तत्व देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है, क्योंकि सबसे तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है एंड 1 ग्राम प्रोटीन 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है एंड 1 ग्राम वसा 9.1 कैलोरी वसा ऊर्जा देता है। बट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा, बट सबसे जल्दी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए हम अपने भोजन में 60 से 65% भाग कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं, जो हमको सबसे जल्दी सबसे पहले ऊर्जा देता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई एक्सरसाइज या कोई कार्य या वर्कआउट कर रहे हैं या ऐसे ही कि तो हमारे शरीर में सबसे पहले ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो वसा से ऊर्जा बनता है शरीर को, एंड जब वसा भी खत्म हो जाता है तो प्रोटीन ऊर्जा के रूप में प्रोटीन का इस्तेमाल होने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट वसा, और शरीर का निर्माण करने वाले हैं प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन जो है यह ऊर्जा नहीं देते बल्कि यह हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 27 टीमें हों और 4 टीमों को सुपर सीड किया जा रहा हो तो पहले राउंड में कितने मैच होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख 7 मैच राइट दिया हुआ है, 7 मैच राइट दिया हुआ है। बट दोस्तों इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि जो सुपर सीडिंग होता है स्पेशल सीडिंग, वह टूर्नामेंट के रोमांच को और अधिक बनाए रखने के लिए टीमों को सुपर सीडिंग दी जाती है। यदि टीमों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। सुपर सीडिंग प्राप्त अच्छी टीमें सीधे अगले राउंड यानी क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं। तो
यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसका दूसरे वीडियो में नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ मैराथन की दूरी कितनी होती है, जबकि आप जानते हैं फुल मैराथन दूरी 42.195 किलोमीटर होती है यानी 26,385 गज, एंड हाफ मैराथन की दूरी होती है 21.097 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो दोस्तों इस जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी होगी। दोस्तों जैसा कि अक्सर आपने हर बार पढ़ा होगा या क्वेश्चन आंसर भी लगाया होगा कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो आपने आंसर टिक किया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटी होती है पीनियल ग्लैंड, लेकिन बहुत बार ऑप्शन पीनियल ग्लैंड नहीं देता है, जब ऑप्शन पीनियल ग्लैंड दे तो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, जब नहीं दिया रहेगा पीनियल ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, ठीक है याद रखिएगा। और पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्रमुख ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट दोस्तों, आरबी रोटर का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों इसका संबंध है शतरंज के रेफरी से। नेक्स्ट है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। साइनोकोबाल में इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, विटामिन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी वीडियो को देख करके सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लेप्रोसी यानी कोढ़, इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, किसके कारण फैलता है, तो लेप्रोसी यानी कि कोढ़ जिसे कुष्ठ रोग या हेलसेस डिजीज भी बोला जाता है, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से फैलता है, यह त्वचा तंत्रिका एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रभावित करता है, इसमें शरीर में गांठ बन जाता है, हाथ पैर की उंगलियों के ऊतकों का नष्ट होना इसका लक्षण है, तो यह बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसका अन्य नाम है, तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रेबीज का अन्य नाम है, रेबीज जो है वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया एंड अलग रोग भी कहा जाता है, यह रेबीज वायरस से फैलता है, एंड रेबीज जो होता है संक्रमित स्तनधारियों के काटने से फैलता है, जैसे पागल कुत्ते एंड भेड़िए सब काटते हैं तो उन सबके वायरस जो है शरीर में आ जाता है, जिसे रेबीज हो जाता है, यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और इसमें पानी से डर लगता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी से डर किस रोग में लगता है, तो रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया से लगता है, और तेजी से ज्वर आता है, श्वास लेने में परेशानी होती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस नामक रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो अभी टिटनेस रोग की बात हो रहा है, तो टिटनेस नामक रोग जिसे टिटनेस को हम धनुष टंकार रोग लाग जा भी बोलते हैं, टिटनेस को क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग और लाग जा भी बोलते हैं, यह टिटनेस जो होता है ट्रांसिड्रियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और पेशी को प्रभावित करता है, और शरीर में झटका बेहोशी इसका लक्षण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य की तेज गर्मी के कारण चमड़ी लाल व काली पड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हम कहते हैं सनबर्न, ठीक है क्या कहते हैं, सनबर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 21 टीमें हो तो नॉकआउट टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर में कितनी टीमें जाएंगी, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसका अगर प्रथम राउंड में आपको होने वाले मैचों की संख्या ज्ञात करना है तो उसका होता है n माइनस नंबर ऑफ बाय अपॉन टू, तो 21 टीमें हैं तो बाय कितना दिया जाएगा, तो दोस्तों 2 की पावर 5 यानी 32 माइनस 21 11 हो जाएगा, तो 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा आपका,
तो कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि कुल 5 मैचें दूसरे राउंड में खेलने जाएंगी। ठीक है, 5 मैचें दूसरे राउंड में खेलने जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जूडो खेल का पितामह किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर जिगारो कानो को जूडो खेल का पिता कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बगल में म्यूजिक बज रहा है जैसे जिसे मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी इसके लिए। मैं ऐसे समय पे आप वीडियो बनाऊंगी जब म्यूजिक का प्रयोग ना हो, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेडिसिन बॉल थ्रो से आप क्या से क्या मापा जाता है, तो मेडिसिन बॉल थ्रो से थ्रो करने में हमारे आर्म एंड शोल्डर का प्रयोग हो रहा है, तो इसके मस्कुलर पावर ऑफ आर्म एंड शोल्डर मेडिसिन बॉल थ्रो से किसका क्या मापा जा रहा है दोस्तों, तो मेडिसिन बॉल थ्रो से आर्म एंड शोल्डर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मापा जा रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, आर्म एंड शोल्डर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मापा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, विलियम वेटसन ने सीखने का कौन सा सिद्धांत पर प्रकाश डाला है, तीनों ने थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग पर प्रकाश डाला है, एंड पावलोव ने भी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे की जन्मतिथि को कौन सी आयु कहा जाता है, तो इसे क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालक्रम आयु के नाम से जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक तथा शरीर रचना विज्ञान के आधार पर मनुष्य की आयु ज्ञात करने की क्या विधियां हैं, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि कालक्रम आयु, इसमें जन्म से लेकर वर्षों महीनों और दिनों में ज्ञात किया जाता है, जिसे कैलेंडर आयु, मार्कशीट आयु, स्कूल एज आदि नामों से जाना जाता है। एंड दूसरा होता है शरीर रचना यानी कि एनाटॉमिकल एज, इसमें हम अस्थियों और दांतों की गणना करके प्राप्त करते हैं आयु को ज्ञात करते हैं। इसमें दाहिने हाथ की रेडियल बोन जो होती है, इसका प्रयोग हड्डी की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए दाहिने हाथ की रेडियल बोन को एक्सरे एज भी कहा जाता है। और तीसरा होता है शरीर क्रियात्मक आयु यानी दैहिक आयु, जिसे फिजियोलॉजिकल एज कहा जाता है। इसमें जो हार्मोन्स का इम्बेलेंस होता है लड़के लड़कियों में, उससे ज्ञात किया जाता है। एंड चौथा होता है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इसमें ज्ञात करने का सूत्र होता है MA/CA/100 यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। नेक्स्ट दोस्तों, VO2 मैक्स से क्या मापा जाता है, तो VO2 मैक्स से एरोबिक कैपेसिटी को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, एरोबिक कैपेसिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो दांत का जो बाहरी परत दिखाई देता है आपका सफ़ेद सफ़ेद, वो कैल्शियम की परत होती है, जो जिसे हम इनेमल कहते हैं, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पहली बार किस ओलंपिक में शपथ ली गई, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ लिया गया, एंड पहली बार ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह ओलंपिक ध्वज को भी फहराया गया, जिसका निर्माण पीएडी कुबर्डिन ने 1913 में किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ACL इंजरीज का संबंध शरीर के किस भाग से है, तो इसका संबंध नी यानी कि घुटने से है, नी यानी कि घुटने से है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम से प्राप्त मधुमेह यानी डायबिटीज को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज जो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, एक वंशानुक्रम रोग भी है ये डायबिटीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में हेड और टेल विंड का प्रयोग किस स्पर्धा में होता है, तो दोस्तों जेवलिन में होता है। जेवलिन को हेड एंड टेल दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो दोस्तों सोयाबीन को सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है, 100 मीटर दौड़ के लिए टाइमकीपर घड़ी को क्या देखकर स्टार्ट करते हैं, तो जो 100 मीटर जैसे कि स्प्रिंट दौड़ों में 3 कमांड प्रयोग किया जाता है, अनिर्माण, सेट एंड गो, गन फायर, तो गन फायर जो ही सुनाई देता है त्यों ही समय स्टार्ट कर दिया जाता है, तो चिंगारी या फायर यानी कि फायर की चिंगारी देख करके टाइमकीपर घड़ी को
टाइम को स्टार्ट करता है 100 मीटर दौड़ के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस खेल में स्विस स्कोर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो शतरंज में स्विस स्कोर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। किस खेल में? शतरंज में। नेक्स्ट है, कोलेजियम यानी कि थर्म फॉर बाथ का प्रयोग संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध रोम से है दोस्तों, रोम देश से है। और जब आपको कीचड़ स्थान यानी मड बाथ का बात करें तो एथेंस आप लगाइएगा, एंड जब थर्म फॉर बाथ यानी कोलेजियम की बात करें तो रोम से है, ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार यूनान की भाषा को ग्रीक कहा जाता है तो रोम की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार रोम की भाषा को लैटिन बोला जाता है। नेक्स्ट है, जोड़ के पास हड्डियों के आपस में बात कर कौन रखता है? तो इसको मैंने कई बार बता चुका है आपको कि हड्डियों को, दो हड्डियों को जोड़ पर जोड़ने वाला होता है स्नायु यानी कि लिगामेंट, एंड मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है यानी कंकाल मांसपेशियों, रेखित पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है टेंडन। तो याद रखिएगा, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ पर लिगामेंट जोड़ता है और रेखित पेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट, चमड़े की तीसरी परत तथा मांसपेशी को कौन जोड़कर रखता है? जैसा कि आप जानते हैं सबसे ऊपरी परत को, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस, मध्य परत को डर्मिस, एंड तीसरी परत एक और होता है जिसे जोड़कर मांसपेशी रखता है, उसे हम कहते हैं एलिओरल। क्या कहते हैं? एलिओरल। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीम से तात्पर्य आयरन एंड ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। इसलिए भोजन में आयरन वाले चीजें, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बना रहेगा तो हम कोई भी काम करेंगे तो देर तक नहीं थकेंगे, देर तक काम कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन। एंड इसकी कमी से जब रक्त में, शरीर में रक्त कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर के समस्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तात्या टोपे नगर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो तात्या टोपे नगर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्टेडियम स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। एंड नेक्स्ट है, ऐशबाग हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऐशबाग हॉकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भोपाल में, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो समस्त शरीर के सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ये समस्त शरीर में फैला हुआ है। अगर कहेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो लीवर हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड बोलेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो थायराइड हो जाएगा। एंड मिश्रित ग्लैंड कौन है तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। नेक्स्ट, अंग्रेजी में डिस्कस की स्पेलिंग क्या होगी? तो आप सब लोग जानते ही हैं, डी आई एस सी यू एस, ऑप्शन नंबर ग। एंड नेक्स्ट है कि रनिंग डिस्टेंस रेडियस कितना होगा अगर 80 मीटर का ट्रैक होगा? तो जब 80 मीटर का ट्रैक होगा तो 38.18 मीटर आपका रेडियस होगा, याद रखिएगा। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, रेडियस निकालने का और ट्रैक कैसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है, विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? दोस्तों जो श्वास नली होता है, विंड पाइप होता है, उसका दूसरा नाम ट्रैक क्या है, जो आगे जा करके फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में दाएं फेफड़े में तीन भाग में बढ़ जाता है, बाएं फेफड़े में दो भाग में। नेक्स्ट है, बीसवां मिलेनियम ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो सिडनी 2000 सिडनी ओलंपिक को बोला जाता है, 2000 सिडनी ओलंपिक को। नेक्स्ट है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों? तो कार्निया, जो आपको भूरा भूरा पर्त दिखता है सामने से वो कार्निया होता है, और जो बगल में आपको व्हाइट पर्त दिखता है वो स्क्लेरा होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम वर्ल्ड T20 कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 2007 में किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट सम्प्रास का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट है, डेविड बेकहम किस से खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 50 MCQ था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए समझ में आया होगा, और सभी के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरे सभी वीडियो जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेली आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और आपका स्कोर भी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।